प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी संगठन अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना, ज्ञापन, हड़ताल जैसे आंदोलन कर दबाव बनाने लगे हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रदर्शन किया। दोपहर में कलेक्टर कार्यालय पहुँचे कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष रमेश मंडलोई ने बताया कि संघ की मांगों को मध्य प्रदेश शासन ने अब तक पूरी नहीं किया है, जिसके चलते संघ ने प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की राह अपनाई है। चार चरणों में यह आंदोलन किया जा रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा क्रांति आह्वान पे चार सूत्री मांगों का आज ज्ञापन मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इसमें हमारी 20 सूत्री मांगे हैं, और जिसमें प्रमुख मांग हमारी ये जनजाति कार्यालय विभाग में कार्यरत ये अंशकालीन कर्मचारी मजदूर है, इनको करीबन 5 से 7 महीने हो जाता वेतन नहीं मिलता। इनको कम से कम कंटीजेंसी पर नियुक्त किया जाए या फिर इन्हों नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरे ये हमारे कोटवार भाई है, इनको भी 20 से 40 वर्ष हो गए कार्यरत करते करते, इनको नियमित कर्मचारी या कलेक्टर दर निर्धारित किया जाए। तीसरा है हमारा पेंशन संबंधी जो लघु वेतन कर्मचारी, इनको 4 से 5 वर्ष 2004-05 में जो नियुक्त किए गए कर्मचारी, उनको पेंशन का प्रावधान दिया जाए। तीसरा, इसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता तो आगामी क्या कार्रवाई? आगामी कार्रवाई हमारी 1 अप्रैल को है, सांसद विधायक महोदय को ज्ञापन देने। और तीसरा चरण है हमारा संभागीय कार्यालय इंदौर में, इसके बाद भी अगर मांगे नहीं होती तो 13 अप्रैल को भोपाल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? रमेश मंडलो, जिला अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी। ये मैं संयुक्त आश्रम हॉस्टल में 2017 से कार्य कर रही हूँ और टेमला फाटे से जाती हूँ। मुझे 3000 रुपये तो किराया ही लग जाता है, 2000 में 2 टाइम खाना बना रही हूँ, इसमें क्या पूर्ति होती है ये तो सभी जानते हैं। 5000 क्या लगते हैं इसमें, 5000 में क्या खर्चा घर दबता है घर का, 5000 में से मेरे 3000 किराए के निकालो। 2000 में आजकल मजदूर कौन मजदूर काम कर रहा है 2000 महीने पे? पर मैं इसी उम्मीद पर काम कर रही हूँ कि चलो आगे कुछ भी लाभ मिलेगा, पर इस बात पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब से आप कार्यरत हैं? 2017 से कर रही हूँ। ऐसी कितने मतलब कर्मचारी मिल रहे हैं, उसमें से 3000 मेरा किराया निकल जाता है, इस मात्र 2000 रुपए पे मैं कार्य कर रही हूँ। कौन से विभाग में हो? संयुक्त आश्रम हॉस्टल। क्या नाम है आपका? शीतल चौहान, शीतल चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।